हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड प्रॉफिट। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बिट्रेक्स पे बाइंग और सेलिंग। ये वीडियो हम नए बिट्रेक्स यूजर्स को हेल्प करने के लिए बना रहे हैं और आगे भी बिट्रेक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आएंगे। तो बिट्रेक्स में आप लॉग इन करिए और मेन पेज पे जो भी कॉइन आपको बाय करना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ हेम्प कॉइन को सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो भी डाला है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मेरे हिसाब से जनवरी में काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं इस कॉइन से। तो कॉइन वाले पेज पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ आप बाइंग डिटेल्स देख सकते हैं। यूनिट्स का मतलब है कितने कॉइन्स आपको खरीदने हैं, प्राइस का मतलब है किस रेट पे आपको लेना है, और नीचे टोटल मतलब कितने टोटल बिटकॉइन आपके लगेंगे इन कॉइन्स को खरीदने में। तो अगर आपको मैक्स यानी कि मैक्सिमम बिटकॉइन जो आपके पास है उसके हेम्प कॉइन लेने हैं तो आप यहाँ मैक्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन है, लास्ट, बिड और आस्क। अगर आप लास्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट प्राइस पिक कर लेगा, जो आप पेज के टॉप पे भी देख सकते हैं। बिड पे क्लिक करेंगे तो बिड ऑर्डर बुक पे सबसे टॉप वाली प्राइस सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर आस्क पे सेलेक्ट करते हैं तो आस्क ऑर्डर बुक की सबसे जो ऊपर वाली प्राइस है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और सबसे नीचे है टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे इन हेम्प कॉइंस को परचेस करने के लिए। आप चाहें तो ये डिटेल्स मैन्युअली भी एडिट कर सकते हैं। मैक्स बटन को मेक श्योर आप क्लिक करके डीसेलेक्ट करें और ये ग्रे से व्हाइट हो जाए। अब यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स डाल सकते हैं कि आपको 100 हेम्प कॉइन लेने हैं या 200। सेम विथ प्राइस, आप एडिट कर सकते हैं 2500 सतोशी प्राइस या 3000 सतोशी प्राइस, और उसके अकॉर्डिंग टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट के कॉइन्स लेना चाहते हैं जैसे 0.1 BTC के, तो आप प्राइस एंड टोटल कस्टम एडिट करके नंबर्स डाल सकते हैं एंड यूनिट्स अपने आप अपडेट हो जाएगी। अब मैं आपको दो तरह की परचेज और सेलिंग करके दिखाती हूँ, एक मैक्स वैल्यू के साथ और एक कस्टम वैल्यू के साथ। मैक्स वैल्यू परचेस करने के लिए हम यहाँ मैक्स टैब पे क्लिक करके बॉक्स को ग्रे कर देंगे। उसके बाद नीचे आके प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट बिड या आस्क। अब टैब दबाएं तो ये ऑटोमेटिकली टोटल BTC वैल्यू अपडेट कर देगा, और उसके बाद बाय हेम्प कॉइन पे क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स ओपन होगा। यहाँ अगर आप सैटिस्फाइड हैं सारी वैल्यू से तो कंफर्म पे क्लिक कर दें और आपका ऑर्डर चला जाएगा। अगर आप सैटिस्फाइड नहीं है तो कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए और ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली विद सेलिंग, मैक्स बॉक्स पे क्लिक करके ग्रे किया एंड प्राइस सेलेक्ट करी, टैब दबाया एंड सेल हेम्प कॉइन पे क्लिक करके कंफर्म। तो ये था दोस्तों ट्यूटोरियल। अगर आपको मैक्स बिटकॉइन मतलब आपके पास जितने अनयूज्ड बिटकॉइन रखे हैं बिट्रेक्स पे वो लगा के कॉइन लेने हैं, तो अब नेक्स्ट हम कवर करते हैं कि अगर आपको कस्टम वैल्यू पे कॉइन परचेस करना है। यहाँ अब यूनिट्स पे मैक्स बॉक्स को क्लिक करें और मेक श्योर ये ग्रे नहीं हो। यूनिट्स में आप टाइप करके डाल सकते हैं अगर आपको 100 हेम्प कॉइन लेने हैं तो। टैब दबा के नीचे आएंगे तो यहाँ अब मैन्युअली प्राइस डाल सकते हैं। जैसे हम 3000 सतोशी की प्राइस डालते हैं, अब आप बाय हेम्प कॉइन पे क्लिक करें और कंफर्म दबाएं तो परचेस ऑर्डर पे लग जाएगी, और जैसे ही कोई 3000 पे परचेस करेगा आपका नंबर आने पे तो आपके BTC डिडक्ट हो जाएंगे और आपको कॉइन्स मिल जाएंगे। सेम आप सेल में भी कर सकते हैं, 100 हेम्प कॉइन, 12000 सतोशी प्राइस, टोटल में नो अपडेट, सेल हेम्प कॉइन एंड कंफर्म। अब अगर आपको आपने ये जो बाय या सेल के ऑर्डर जो लगाए हैं वो देखने हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आप ऑर्डर्स देख सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल करने का भी ऑप्शन है, अगर आप बाद में माइंड चेंज कर लें तो यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं और ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो अबाउट हाउ टू बाय और सेल कॉइन्स ऑन बिट्रेक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगी, आप सबको हेल्प करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल चालू किया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ आपको लेटेस्ट प्राइस प्रेडिक्शंस, न्यूज और अपडेट्स सब रेगुलरली सेंड होंगे। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Yeah.